अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कल जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर हुआ था CSS 2022 का, तो कोशिश करते हैं आज हम उसको सॉल्व करने की। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है कि देयर आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनका जो सम है वो 273 के बराबर है। आप लोगों को मालूम है कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर ऑल कंसेक्यूटिव नंबर्स। पर उसने क्वेश्चन में कहा है 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9 और इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें मालूम नहीं है कि वो कौन से कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम जो है 273 है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर जो है, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर नंबर इज इक्वल टू एक्स, हमें मालूम नहीं है। तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर होगा तो वो क्या होगा, पिछले वाले से 2 ज्यादा होगा, प्लस 2 होगा। तो सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर आपका क्या होगा, कंसेक्यूटिव नंबर वो बराबर होगा x प्लस 2 के। ये फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, ये सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। और ये थर्ड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड में लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, तो x प्लस 4। अब ये 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट इन तीनों का सम जो है वो किसके बराबर है, 273 के। तो लेट सॉल्व इट, x प्लस 2 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 4 इज इक्वल टू 273। ये आपका फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, ये सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर और ये थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर। अब इन तीनों का सम 273 के बराबर है, इसको सॉल्व करते हैं 1x 2x एंड 3x, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 प्लस 4 6 इज इक्वल टू 273। ये 6 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 267, सो x विल बी इक्वल टू 267 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली 1, 8 फिर 27, 9। सो फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 89, तो ये पहला नंबर आपका 89 हो गया। दूसरा वाला क्या होगा, प्लस 2 कर दें 91, तीसरा वाले में 4 ऐड कर दें वो हो गया आपका 93। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन नंबर 7 CSS 2022 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं जो रिलेटेड है नंबर सीरीज से। और इस क्वेश्चन में बड़ी सी आसान सी सीरीज इसने दी है एग्जामिनर ने। अब पहली सीरीज को हम देखते हैं, पहला जो नंबर है 4, फिर 16, फिर 36, 64, फिर डैश, फिर 144। थोड़ा सा हमें एनालिसिस करना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं हमारे पास। तो मैंने जब देखा कि ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पे भी एक सीरीज चल रही है 2, 4, 6, 8। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ऑब्वियसली 10 का परफेक्ट स्क्वायर, और 10 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 100, और इसी को कंटिन्यू करते हुए 12 का परफेक्ट स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक कंजुगेटिव सीरीज चल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है 30, 29, 27 फिर डैश 20 और 15। अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें कि पहले और दूसरे में डिफरेंस आ रहा है 1 का, दूसरे और तीसरे में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 का, तीसरे और चौथे में डिफरेंस जिस तरह ये सीरीज चल रही है वो कितना आना चाहिए, ऑब्वियसली 1, 2। तो अब 3 का डिफरेंस आएगा, तो हम यहाँ पे हमने लिख लिया डिफरेंस इनका कितना है, 3, और तीसरे और चौथे में डिफरेंस कितना है, और चौथे और पाँचवें में 4 का, और पांचवे और छठे में कौन कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो यहाँ पे भी एक सीरीज आपको नजर आ रही है 1, 2, 3, 4, 5 एक कंजुगेटिव सीरीज चल रही है। ये भी सॉल्व करने के बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे, पहले और दूसरे नंबर में जो डिफरेंस है वो है कितना, 6, दूसरे और तीसरे में 8, तीसरे और चौथे में 10, चौथे और पांचवे में कितना होगा, जाहिर सी बात है 12, और 12 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा,
और पांचवें और छठे में डिफरेंस कितना होगा? 14. तो 6, 8, 10, 12, 14 एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 2, फिर इन दोनों के दरमियान 4, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 6, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 8, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 10, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर के दरमियान डिफरेंस कितना आएगा? 12 का। तो 12 हम इसमें ऐड कर देंगे तो 42 आपका आंसर, यहाँ पे 37 आंसर, यहाँ पे 24 आंसर और यहाँ पे 100 आंसर। अब आ जाते हैं लास्ट वन पे। लास्ट वन में देखिए जो फर्स्ट नंबर है इस 48 और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, आधा हो गया। और 24 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? जाहिर सी बात है 72 आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 3। 24 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। और 72 का हाफ कितना होगा? 72 का हाफ 36। 36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108। तो मतलब ये है कि अल्टरनेट बेसिस पे पहले हाफ हो रहा है फिर मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर फर्स्ट हाफ हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसके बाद फाइनली क्या होगा? फाइनली भी ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो आंसर वुड बी 54। सो दिस इज योर आंसर। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, हमने CSS 2022 का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट सॉल्व कर लिया था। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। ये क्वेश्चन रिलेटेड है जंबल्ड वर्ड्स के साथ, तो थोड़ा सा आपने गौर फिक्र करके सोचना है कि ये कौन सा वर्ड है जो जंबल्ड है। तो थोड़ा सा गौर करने से ही हमें पता चल गया ये वर्ड है, थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये वर्ड है शर्ट। और इसी तरह ये वर्ड, अब ये वर्ड जंबल्ड है, ये वर्ड बन सकता है कौन सा? दो वर्ड्स, डेंजर और दूसरा गार्डन। अब इसी तरह इसको अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग रहा है, पर अगर आप वर्ड आप सुनेंगे तो आपको स्टमक। इसी तरह ये वर्ड तो देखने से ही पता चल रहा है ये कौन सा वर्ड है, लंदन। नाउ द लास्ट वर्ड हॉलीडे। तो ये जंबल्ड वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, आई होप आपको ये आ गया होगा समझ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमने क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी सी पार्ट सॉल्व कर लिया था जनरल साइंस एंड एबिलिटी CSS 2022 का। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़की है सारा, जिसकी मदर की एज 6 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सारा, और इसका ब्रदर है अली जिसकी एज ट्वाइस है सारा के। तो हमें इन तीनों की एजेस का मालूम नहीं है, पर वो अलबत्ता ये कंडीशन देता है कि आज से 3 साल बाद उनकी जो उम्र हो जाएगी, अगर हम कलेक्टिवली तीनों की एज कंबाइन करें तो उनकी एज हो जाएगी 72। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट करंट एज ऑफ सारा, सारा जो है जो हमें मालूम नहीं है वो है एक्स। तो अब इसकी मदर की 6 टाइम्स ज़्यादा है, तो करंट एज ऑफ हर मदर वुड बी 6 टाइम्स, तो मतलब 6x। सिमिलरली करंट एज ऑफ हर ब्रदर अली, ब्रदर अली की एज जो होगी वो है, उसने कहा है कि 2 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली वो कितनी हो जाएगी? 2x। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन वेरी मच क्लियर है। उसके बाद वो कंडीशन दे रहा है कि आज से इन 3 ईयर्स टाइम इन तीनों की एजेस का जो सम है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 72 के बराबर। पर आज से 3 साल बाद, जाहिर सी बात है करंट एज सारा की ये है, तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3। सिमिलरली इनकी एजेस में भी प्लस 3 ऐड हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3
ये सारा की उम्र 3 साल बाद और 6x+3 ये उसकी मदर की 3 साल बाद और 2x+3 ये उसके ब्रदर अली की आज से 3 साल बाद एज, और इन तीनों का जो सम है वो बराबर किसके हैं, वो बराबर है 72 के। ये है सारा, ये उसकी मदर और ये उसका ब्रदर अली, ये इनकी करंट एज है x, 6x, 2x। ऑब्वियसली 3 साल बाद हर किसी की 3-3 साल जो है उम्र बढ़ जाएगी, तो अब इनका सम जो है वो 72 के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x, 6x, 7x और 2, 9x। ये 3, 3, 3 + 9 = 72। तो 9x, ये सिर्फ 9 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 63। तो x will be equal to 63 upon 9, तो कितना हो गया, 7। सो ये x क्या है, करंट एज ऑफ सारा, सारा की करंट एज है 7 और इसी तरह इसकी मदर की 6 times ज्यादा, तो करंट एज ऑफ हर मदर वुड बी कितनी, 42, और करंट एज ऑफ हर ब्रदर वो कितनी हो जाएगी, 14। ये इनकी करंट एज है, 7 सारा की, उसकी मदर की 42 और उसके ब्रदर की 14, और आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, सारा की एज हो जाएगी 7 + 3 = 10, उसकी मदर की 3 साल बाद 42 + 3 = 45 और उसके ब्रदर की 14 + 3 = 17। और अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो जवाब क्या आना चाहिए, इन तीनों को ऐड करें तो जवाब आना चाहिए 72। और हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 10 + 45 = 55, 55 + 17 = 72। तो इसका मतलब है जो हमने आंसर्स निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।